हेलो मेरे प्यारों, मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति और हमारे चैनल का नाम है स्टोरीज एंड जिंगल्स। यहां हर कहानी, हर जिंगल हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगी। हमारी आज की कहानी है उबुंतु। क्या नाम है? उबुंतु। उबुंतु कहानी है अफ्रीका के एक जंगल की, जहां पर है एक मैम टीचर एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई। वहां पर अफ्रीका में कुछ बच्चे जंगल में खेल रहे हैं। वाह, उन्हें तो बहुत मजा आ रहा है खेलने में। तभी अध्यापिका ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। आप जानते हो प्रतियोगिता क्या होती है? कॉम्पिटिशन। टीचर ने कहा, बच्चों यहाँ पेड़ के नीचे एक फलों और मिठाइयों से भरी टोकरी रखी है। जो बच्चा यहाँ भागकर सबसे पहले पहुंचेगा, उसे इस टोकरी में रखे सभी फल और मिठाइयाँ मिल जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? बच्चों ने पता है क्या कहा? हाँ हाँ, हम तैयार हैं, भागने के लिए तैयार हैं। तभी अध्यापक ने कहा, ठीक है, रेस शुरू करते हैं। एक दो तीन, दुगड़ 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 दुगड़। बच्चों ने भागना शुरू किया, पर ये क्या, सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और टोकरी की तरफ भागे। अध्यापक बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। अध्यापक ने पूछा, बच्चों ये तो दौड़ प्रतियोगिता है, आप सब यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर क्यों भागे? बच्चों ने कहा, उबुंतु 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 उबुंतु। अध्यापक ने कहा, उबुंतु का क्या अर्थ है? बच्चों ने कहा, उबुंतु का अर्थ है कि कोई भी एक व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है जब बाकी सब दुखी हो। ये फल और मिठाइयाँ तो हम सब मिल बांट कर ही खाएंगे। मैं हूँ क्योंकि हम हैं, मैं हूँ क्योंकि हम हैं, मैं हूँ क्योंकि हम हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज गया। अध्यापक बहुत ही खुश हुआ। सभी के लिए एक बहुत सुंदर संदेश था, मैं हूँ क्योंकि हम हैं। आइए इसे अपने जीवन में अपनाते हैं और अपना जीवन सरल और सुंदर बनाते हैं। मैं हूँ क्योंकि हम हैं। कोई भी एक व्यक्ति जब तक दुखी रहेगा, हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।